सुख देती जीवन में हरदम मारे बाबा Thank you.
आज रविवार है और आज मीठे प्यारे बाबा के कौन से महावाक्य सुनते हैं? अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। तो आज मीठे प्यारे बाबा के हम अव्यक्त महावाक्यों का अध्ययन करते हुए रिवाइज करेंगे मुरली को, जो कि 20 फरवरी 1986 की है। 20 फरवरी 1986 की आज अव्यक्त मुरली रिवीजन है। और आज तारीख कौन सी है? 5 जुलाई। आज बाबा ने मुरली में सार में कहा, उड़ती कला से सर्व का भला, उड़ती कला से सर्व का भला। तो जब स्वयं की उड़ती कला होगी तो देखो हमारी उड़ने से दूसरों का भला हो जाएगा। तो आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना है। दूर रहते हुए भी, अलग धर्म में जाते हुए भी, फिर भी नजदीक आकर, जो नजदीक में भी रहती है आत्माएं, भारत में जो रहती हैं, उनसे पहले भगवान को पहचान लिए। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक और दूसरी जैसी तक तीव्र गति से पहचानना, वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। जैसे तीव्र गति से पहचाना बाप को, वैसे ही तीव्र गति से अपने आप को सेवा में भी लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक है। पहली मुबारक क्या है कि दूर देश में होते हुए भी, भिन्न धर्म में जाते हुए भी, नजदीक वालों से पहले पहचान लिया बाप को। और दूसरी कहा कि तीव्र गति से पहचाना, पहचाने है ना, पहचानना, वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाना है ना। तो ये तीव्र गति से जो सेवा में लगाया है उसके बाबा भी मुबारक देते हैं। सेवा की वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है ना। तो सेवा की गति तो तीव्र रही है, कैसे कैसे तीव्र गति से सेवा बढ़ती गई है, इसलिए बाबा कहते डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने की तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही, जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ाने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है। थोड़े समय में कैसे विदेश की सेवा शुरू हो गई है ना। तो इसलिए बाबा, इसलिए बाबा कहते, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृत्ति को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन, डबल ताजधारी बनने का, संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे।
तो जब पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ तो करेंगे, जब मिल रहा है ऑटोमेटिकली उसके पीछे तो लगने का जो पुरुषार्थ है वो तो करेंगे करेंगे। इसलिए बाबा कहते आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। देखो जितनी भी बाबा ने अव्यक्त मूर्तियां चलाई ना उसमें ज्ञान नहीं सुनाया, केवल मिलने आए मुबारक देने आए। क्योंकि जब तक साकार में ब्रह्मा था उस समय बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया, क्योंकि जो ज्ञान देने की विधि है ना वो केवल बाबा ब्रह्मा तन से ही करता है। और जब वो अव्यक्त रूप में आता है तो केवल मुलाकात और प्यार देने के लिए आता है। तब देखो कितना बच्चों को ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती जो बाबा के प्यार से प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा कहते बाप दादा इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट का डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। हाँ तो इसलिए सदा किस चीज का पुरुषार्थ करेंगे, डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। तो आज विशेष मिलने के लिए आए हैं, बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बाजे जी हाँ दुला माता जी बाजे बज रहे हैं, बज रहे हैं। हाँ तो जोर जोर से बज रहे हैं, शांति से बज रहे हैं। हाँ तो इसलिए है ना कि बाबा ने आकर ऐसा दिया है ना, ऐसा प्यार दिया जैसे वो गाने गाते नहीं है मोजा ही मोजा शाम सवेरे हो ना मोजा ही मोजा। तो अब तो चाहे शाम हो चाहे सवेर हो हर वक्त मोर्चा ही मोर्चा है बाबा के प्यार की। तो बच्चों की खुशी के सास खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं, याद और सेवा में लगन के से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है सेवा भी है लेकिन सभी एडिशन क्या, अभी एडिशन क्या होना है, अभी ऐड क्या करेंगे। बाबा कहते याद भी है और सेवा भी है पर अभी और क्या ऐड करना है। हाँ युविका में क्या ऐड करेंगे, और क्या चाहिए, और एडिशन क्या करेंगे, स्वरूप बनेंगे और हाँ जी दुआएं लेनी दुआएं देंगे पीछे नीला माता जी आवाज फैलाना। बाबा कहते याद भी है सेवा भी है लेकिन अभी एडिशन क्या होना है। फुला माता जी खुद भी उमंग उत्साह में रहेंगे दूसरों को भी लाएंगे। और ज्योति माता जी रखेंगे बाबा कहती है दोनों ही लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। दोनों हैं याद भी है सेवा भी है पर दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कई बार क्या होता है जास्ती याद में ही बैठे रहते हैं सेवा करते नहीं है, कहते जी हम तो निष्ठा में बैठेंगे सेवा के लिए किसी और को ढूंढ लो, या सेवा में ही लग जाएंगे याद की याद ही नहीं रहेगी कि अभी बाबा को याद भी करना है। तो बाबा कहते दोनों का बैलेंस चाहिए, ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है, अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा। अब बाबा ने कहा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा।
बैलेंस हो जाएगा, दोनों चीज की इक्वालिटी हो जाएगी, माना दोनों संतुलन हो जाएंगे, तो फिर बाबा कहते क्या होगा, आवाज बुलंद हो जाएगा और ये विश्व में गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है, विस्तार के बाद क्या किया जाता है, विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार, ऐसी विशेष आत्माएं निमित बनानी है, जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। इसलिए बाबा अक्सर करके कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा करो, बड़ों बड़ों की मंत्रियों की सेवा करो, ताकि उनका सुनकर देश में आवाज फैले। अभी भारत में भी, अभी जब ये जो हुआ था ना, ये एक्टर का ये कहते हैं उसको देहांत हुआ था, जब भी सुशांत जी का देहांत हुआ था, तो सभी ने ट्वीट किया था, ट्वीट करते ना वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तो मोदी जी ने भी किया था। अब वो मोदी जी ने जब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, तो लास्ट में जब उन्होंने कंप्लीट किया, तो लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ था अपने ट्वीट में ओम शांति। तो कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी हस्ती ओम शांति लिख रही है। वैसे भी भाई जी, जब उन्होंने वो दूसरा भी भाषण दिया था ना, हाँ, तो उस दिन भी उन्होंने ओम शांति बोला। देखो क्या होता है ना, कि एक तो होती है प्रत्यक्ष सामने आकर किसी को वो करना, दिखाना, वो तो सारे करते ही हैं, सारे मंत्री भी करते हैं, चलता कोई नहीं है, कहते हैं जी संस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है ना, कहते ही सभी है, परंतु ये गुप्त रीति से जिसको पता भी ना चले, और एक एक्टर के प्रति एक गुप्त रीति से ओम शांति बोलना, इसका ज्यादा बड़ा महत्व होता है, कि उस आत्मा की बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, वो अभी सूक्ष्म रीति से अपने आप को चेंज करने का पुरुषार्थ कर रही है। बाकी सभा में तो हर कोई बोलता है, जैसे प्रेसिडेंट भी आया, प्राइम मिनिस्टर भी आया, मुख्यमंत्री, बहुत सारे मंत्री भी आते हैं, उप मुख्यमंत्री भी आते हैं, कौन कौन नहीं आता, परंतु जो ये बात है कि मैसेज में आपने ओम शांति लिख कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और एक उसके लिए भी बोला था मोदी जी ने कि आध्यात्मिकता पे चल रहा है उसे भी, हाँ, क्योंकि वो ना क्या है, पूरा देश के मंत्री हैं वो, और वो एक के ऊपर कभी फिट नहीं बैठ सकती, क्योंकि सबके पास जाना होता है, तो इसलिए वो अक्सर करके वो चीज शो नहीं करते कि हाँ जी हम इस संस्था की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव है, नहीं, वो सबको रिस्पेक्ट करते हैं, है? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभी नेताएं भी संपर्क में आ रही हैं। 1986 में देखो, हाँ, आज देखो तो सब, जैसे कि अब कहते हैं जी हमें आध्यात्मिक नॉलेज लेनी है, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि नींव तो आदि रत्नों ने डाल दी थी ना, जो असली काम किया वो तो आदि रत्नों ने किया, कैसे कैसे एक छोटे से कमरे में रहकर स्थापना की, फिर छोटे से कमरे से कितना वट वृक्ष बड़ा हुआ, तो आदि रत्नों का कितना कमाल था, उनका योग बल था, फिर आगे जो उन्होंने बच्चे पैदा किए, ज्ञान सुनाया, फिर वो कैलिबर उनके अंदर आया, तो उन्होंने जब ज्ञान सुनाया तो कितनी प्रत्यक्षता हुई। तो इसलिए बाबा कहते बाकी कौन रहे हैं संपर्क में, तो आ रहे हैं नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। बाबा कहते सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना, जा रहे हैं उड़ती कला में, उड़ रहे हैं पुरुषार्थ में, उड़ रहे हैं कि चल रहे हैं, भाग रहे हैं या जंप लगा रहे हैं, हाँ सुनीता माता जी, उड़ रहे हैं ना, क्या कहेंगे सुनीता माता जी, हाँ भाई पुरुषार्थ चल रहा है बाबा, कैसी लगे रहो लगन में मगन रहो, हाँ, तो उड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं या जंप लगा रहे हैं, तो
दोनों स्थिति आ जाती है, उड़ भी रहे हैं, उड़ते उड़ते भी नीचे आ जाते हैं, जैसे मोर होता है ना, वो ज्यादा लंबी फ्लाइट नहीं ले पाता, उड़ता है फिर नीचे आ जाता है। तो चढ़ती कला वाले तो नहीं, बाबा कहते चढ़ती कला वाले तो नहीं होना, उड़ती कला है। चढ़ती कला में चलना पड़ता है और उड़ती कला में उड़कर पहुंच जाते हैं। तो उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एकरस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती कला के साथ साथ बाबा कहते स्टेजेस है। बाबा कहते उड़ती कला के साथ साथ स्टेजेस हैं। कई सदा उड़ते रहते हैं, कई उड़ते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, कई उड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते, तो स्टेज आ जाती है, अलग अलग स्टेज आ जाती है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज, बाबा कहते स्टेज है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। बाबा कहते सदा और मेजॉरिटी, ज्यादा से ज्यादा जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा उड़ती कला का प्रैक्टिकल अनुभव होना, बाबा कहते वो समाप्ति, मतलब उसका अर्थ क्या है, समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। श्रेष्ठ स्थिति क्या है? उड़ती कला। बाबा कहते उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। देखो ध्यान देना, उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। फिर उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की फिर स्थिति है, वही बात लाइन दोबारा से रिपीट करती है। तो इसलिए बाबा कहते उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला देह में रहते हुए भी देह से न्यारी और बाप और सेवा के प्यारेपन की स्थिति प्राप्त करने की स्थिति। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। विधि को जानने वाले विधाता, वरदान देने वाले वरदाता। तो ये कैसे हो सकता है? जब हमारी उड़ती कला होगी, है ना। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको। बाबा ने कहा उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। और क्या है? बाबा ने कहा कि उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारी पन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। उड़ती कला के महत्व बता रहे हैं बाबा, ना क्या क्या होता है। तो उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारी पन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं को के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी हैं, अनेक देवताएं हैं,
सभी इस धरती पर अवतरित हो गए हैं। क्योंकि जब हम फरिश्ता और देवतापन का स्वरूप दिखाएंगे, उनको शो करेंगे, तो उनको ये भासना आएगी कि हमारे इष्ट देव और देवियां इस धरती पर आ चुके हैं। सतयुग में तो सब सतगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सतगति दाता हो। सतयुग में तो सब सतगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सतगति दाता हो। अभी जो ब्राह्मण बाबा के बच्चे बन गए ना, तो सब क्या है? सर्व आत्माओं के सतगति दाता हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं के चारों, चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवास द्वारा, यह जरूर साक्षात्कार होना है। चाहे स्वप्न में होगा, चाहे झलक होगी एक सेकंड की, चाहे प्रत्यक्षता चारों ओर या आवाज द्वारा। तो बाबा कहते साक्षात्कार तो होना ही है, किसी भी रूप से हो सकता है। कि इस ड्रामा के हीरो पाटधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए, धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए, सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, है ना? कोई सरगा घाट की देवी होगी, कोई कहाँ की देवी होगी, कोई पपलोहा की देवी होगी, कोई बाड़गुदाम की देवी देवताएं होंगे, कोई चंडीगढ़ के होंगे, कोई इधर काट, क्या बोल रहे थे कभी? सुमन बहन आप कहाँ से हो? रठाल। तो कोई रठाल की देवियां होंगी। हाँ, तो देखो बाबा ने कहा तो सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, बाबा कहते हैं डबल विदेशी भी इष्ट देव और इष्ट देवियों में है ना। इसलिए सब ना अपनी अपनी जगह पर स्थापित हो गए हैं, मूर्तियां अपनी अपनी जगह पर स्थापित हो गई हैं। अब सब क्या करेंगे, थोड़े टाइम बाद अभी पुरुषार्थ कर रही हैं मूर्तियां साक्षात्कार कराने का। हाँ, तो जब वो संपूर्ण बन जाएंगी तो वहीं पर उनका मंदिर स्थापित हो जाएगी। हमारी ये कुलजा देवी है। हाँ, बाड़गुदाम में सबसे ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं या गोल्डन जुबली वाले हैं, बाबा पूछते हैं डबल है ना, डबल विदेशियों से, कि डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हो आप भी उसमें हो या देखने वाले हो। जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, यह तो एक रमणीक पाठ बजाया, लेकिन बाबा कहते जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे। क्या करेंगे, साक्षात्कार कराएंगे, देखेंगे? क्योंकि साक्षात्कार कराने के लिए फिर वो स्वरूप भी चाहिए। हाँ, तो क्या होंगे? हीरो एक्टर होना, बाबा कहते हीरो एक्टर होना। तो अभी इमर्ज करो वह दृश्य कैसा होगा, इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसे सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। बाबा वो दृश्य भी इमेजिन करवा रहा है कि बच्चे देखो वो दृश्य, सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्ते सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो चार विशेष सब्जेक्ट हैं, जो चार विशेष सब्जेक्ट हैं, बाबा कहते हैं वो कौन से हैं? सुमन बहन,
योग सेवा कल्याण। योग और याद एक है, याद सेवा तो ये पता शांति से नहीं होती। तो बाबा ने कहा ज्ञान मूरत, ज्ञान मूरत निरंतर याद मूरत, निरंतर याद मूरत सर्व दिव्य गुण मूरत। थर्ड है सर्व दिव्य गुण मूरत। फोर्थ है एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे, है ना। तो ये तो तीन बताए बाबा ने, है ना। तो दिव्य गुण हो गए, है ना, ये सारे हो गए। और एक धारणा सेवा, तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए क्या बनना है आपने, ज्ञान मूर्त बनना है, निरंतर याद मूर्त बनना है और सर्व दिव्य गुण मूर्त। बाबा कहते एक भी दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं बनेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण, यह तीनों ही महिमा है। सर्व गुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपूर्ण कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात किसको कहेंगे, 16 कला है ना, सारी कलाएं हो, इसको कहते हैं 100% एक्यूरेसी, 100% संपूर्ण इन हिज क्वालिटीज, है ना। तो बाबा कहते 16 कला संपन्न भी चाहिए, अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व सर्व भी चाहिए, मतलब सारी चीजें होनी चाहिए कलाएं। तो यह चेक करो, सुनाया था ना कि यह वर्ष बहुत काल से के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल रहने में आएगा, बहुत काल नहीं होगा। बाबा ने भी सुनाया था ना, एक दो संडे छोड़कर पीछे बाबा ने सुनाया था कि बहुत काल का समय गया, है ना। जो सोचते हैं कि अभी करेंगे कर लेंगे, बाबा कहते हैं वो बहुत काल का समय नहीं है, अब तो थोड़ा समय है, इसलिए अब चलना नहीं है, अब उड़ना है, है ना। तो ये उसके साथ इंटररिलेटेड मुरली है। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। देखो अंडरलाइन करने वाली बात है, बाबा ने कहा बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाए, फिर थोड़ा काल, बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। बहुत काल माना आदि, फर्स्ट, तो फर्स्ट से ही कब आ सकेंगे फर्स्ट में, जब हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, हाँ बाबा कहते पहला जन्म हो और पहले प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, वन 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 हो, सब कुछ वन हो, है ना, सब में वन हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सेवा भी नंबर वन, स्थिति भी नंबर वन, तब तो वन वन में आएंगे ना। तो सेवा भी नंबर वन तो स्थिति भी नंबर वन। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर वन आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर वन जन्म में पाठ बजाने वाले, तो संवत भी आरंभ आप करेंगे पहले पहले जन्म वाले ही, पहली तारीख पहला मास पहला संवत शुरू करेंगे। तो ये वन वन माना पहली तारीख पहला मास और पहला संवत,
इसलिए बाबा कहते तो डबल विदेशी नंबर वन में आएंगे ना, आएंगे आएंगे नंबर वन में। हाँ जी, डबल फॉरेनर्स बोलते हैं ना बाबा, बाबा फॉरेनर्स के साथ मुलाकात कर रहे थे। डबल इसलिए करते हैं क्योंकि देश में भी आते हैं और विदेश में भी रहते हैं, तो डबल हो गए ना, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, ठीक है। इसलिए बाबा कहते तो डबल विदेशी नंबर वन में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है ना, आती है फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है, डालते हो फरिश्तेपन की ड्रेस रोज, डाल रखी है या उतार देते हैं फिर? यह चमकती ड्रेस है ना बाबा कहते, ये चमकीली ड्रेस है, ये समृद्धि और स्वरूप बनना। खास ड्रेस, खास पहनते तो याद की रहेगी। हाँ, जैसे ड्रेस जैसे खास प्रोग्राम पे डालते हैं ना, ऐसे जब याद में बैठते हैं तभी डालते हैं, ऐसे भूल जाते हैं वैसे डालते नहीं, ऐसा नहीं करना, अब सदा डाल के रखनी है। तो बाबा कहते यह स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना, समृद्धि और स्वरूप बनना। बाबा कहते चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है, तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी, तो डालेंगे तभी आकर्षित करेगी, कभी कभी डालेंगे तो कभी कभी आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो अभी बाबा कहते अच्छा आज यूके का टर्न है ना, यूनाइटेड किंगडम वालों का आज। बाबा कहते यूके वालों की विशेषता क्या है, लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? जो ये विदेश होंगे क्या होंगे, टूरिस्ट प्लेस होंगे ना, घूमने के लिए जाएंगे वहां पे, है तो बाबा कहते यूनाइटेड किंगडम ना, वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्र लगाएंगे? बाबा कहते फिर भी जो नाम है किंगडम राज्य है ना कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही, सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित है ही, किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइट बाबा कहते यूनाइट करने वाली किंगडम है ना, यूनाइट इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं, यूनाइट करने वाली जिसको कहते हैं, सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है, यूके वालों को बाप दादा कहते हैं, क्या कहते होंगे यूके वालों को ज्योति माता जी, यूके वालों को बाबा क्या कहते होंगे? पुरुषार्थी बच्चे, और हाँ जी ज्योति माता जी, फूला माता जी, पुरुषार्थी कहेंगे। तो बाबा कहते यूके वालों को बाप दादा कहते हैं, ओके रहने वाले यूके वाले, ओके रहने वाले,
यूके अर्थात ओके रहने वाले, कभी भी किसी से भी पूछें तो ओके ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है ही सही, है ना, कई बार तो कहते हैं ठीक हो, हाँ ठीक ही है, है ना, ऐसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है, सदा ओके है ना। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, है ना, ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि कोई पूछता है तो लंबा श्वास उठाते हैं, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके है। ओके कहने में फर्क होता है, एक होता है लंबा सांस लेकर, बाबा देखो कितनी गहरी बातें सुनाता है। तो सती संगम युग, बाबा कहते हैं तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना, बाबा कहते तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना, इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं। इसको स्कूल का लाइट का भी जाने का काम रहता है सारा दिन, है ना। नहीं लाइट गई नहीं थी, वो थोड़ा गिर गया था उधर ना। हाँ वैसे चली तो गई है लाइट, हमारे तो चलती है। हाँ जी लाइट चली गई है। तो बाबा कहते तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो राजधानी में राज अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना, राजस्थान तो बन गया ना, कि राज्य अधिकारी बनना है तो स्थान भी मिल गया कि इस धरनी से आकर बनो, इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं। यूके वालों ने यूके में राजस्थान बनाया और सर्व आत्माओं को राज्य अधिकारी बनाने का ज्ञान दिया तो राजस्थान हो गया। हाँ तो इस हाँ यूनाइटेड किंगडम है ना। तो बाबा कहते और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं, बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं सिर्फ इशारा देते हैं। बाबा कहते बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं सिर्फ इशारा देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कहते हैं, कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं, कमजोर हो कहते हो तो बाबा कहते तो कमजोर हो जाते हैं। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। एक तो पहले ही कमजोर होते हैं, फिर दूसरे ने कह दिया कमजोर हो तो जैसे कि बिल्कुल ही मूर्छित हो जाते हैं। तो बाबा कहते कैसे भी मूर्छित हो लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी दिखाओ तो मूर्छित सुरचित हो जाएगा। संजीवनी बूटी सबके पास है ना, है जी सबके पास, वो पहाड़ है सबके पास संजीवनी बूटी वाला। हाँ बोला माता जी, है पहाड़ आपके पास, कोई आए तो संजीवनी बूटी। हाँ जी क्या कह रहे हो, बाबा की आंख वाला है ना। हाँ तो है ना, अब अगर कोई आपके पास मूर्छित हुआ हुआ आए व्यक्ति तो उसको सुरजित कर सकते हो। बाबा की आंख, बाबा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, उसकी तो है
हाँ तो है ना, भरपूर है ना। क्या कह रही है सुमन बहन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो सभी अनुभवी हैं इन चीजों के। बाबा कहते तो संजीवनी बूटी सबके पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। चलो नहीं खड़े रहो, चले। बाबा कहते कोटों में कोई है ना, तो विशेष हुई ना, सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होंगे। तो बाबा कहते आपको कराने की जरूरत नहीं होगी, अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, इसलिए बाबा कहते टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं। इसलिए बाबा की जो पीछे वाली लाइन है वो सुने ध्यान से। बाबा कहते तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। तो जब हम विशेषता रखेंगे उसके सामने तो उसको अपनी कमजोरियां अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और वो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो जी सामने वाला इतना श्रेष्ठ है, इतना सुखी जीवन जी रहा है, कारण तो ये विशेषताएं बनती होंगी, तो मैं क्यों इन विशेषताओं से वंचित हूँ। तो अपनी कमी कमजोरियों को वो निकालता जाएगा, जैसे ही वो अपनी कमी कमजोरियों को निकालता जाएगा खुद भी एक विशेष आत्मा बनता जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते कोटों में कोई है ना, तो विशेष हुआ ना, सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन जाएंगे, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उनको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी, अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं। आप विशेषता सुनाओ, जब तक कमजोरी स्वयं की अनुभव ना करें तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते सुनाते जाओ विशेषता, सुनाते जाओ, जब होगा तो उसको टचिंग हो जाएगी उस बात की, और वो अपने आप को परिवर्तन। हाँ, कई तो क्या कहते हैं पीछे पड़ जाते हैं जी, चेंज हो जाओ चेंज हो जाओ चेंज हो जाओ, भाई उसका अब तक पार्ट नहीं है चेंज होने का। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि आप विशेषता सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ, वो विशेषताओं को सुनता सुनता अपनी कमी कमजोरियों को निकालता जाएगा, और जिस दिन सारी कमजोरी कमी कमजोरियां निकल जाएंगी तो वो स्वयं चेंज हो जाएगा, है ना। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो, इसलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। यही यूके कहता है ना, यही यूके करता है ना, क्या करते हैं, मूर्छित को भी सुरजित करना। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं, भारत से तो गए, लंदन से कितने गए हैं? बाबा कहते भारत से तो गए हैं भिन्न भिन्न स्थानों, लंदन में गए हैं, पर लंदन से कितने कितने भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हैं? बाबा कहते ऑस्ट्रेलिया से कितने गए, ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है, और कहां कहां गए, ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती है ना उतना अच्छा है। अभी बाबा ने पिछले संडे की मुरली में, शायद उससे पहले संडे की मुरली में कहा, पिछले की थी, ज्ञान सागर ज्ञान गंगाओं का मिलन, तो ज्ञान गंगाएं कहां कहां से घूम कर असली स्थान पर पहुंच गई है, सागर के पास आ गई है ना, कहां कहां से आई है, कोई अमेरिका से कोई ऑस्ट्रेलिया से कोई फॉरन कोई देश में भी कहीं भिन्न भिन्न स्थानों से, है ना। तो ऐसे दिखाते हैं गंगा कहां कहां से निकलती हुई जाती है, तो
ऐसी भिन्न भिन्न स्थानों से गंगाएं निकलकर सागर के पास आकर पहुंच गई। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती है उतना अच्छा है, कल्याण करती है ना उस जगह का, महत्व हो जाता है उस जगह का। तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं? सबने अपनी अपनी संख्या सुनाई, बाबा को सबने अपनी अपनी संख्या सुनाई, मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा कहते अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है, बहुत है। बाबा कहते अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है, बच्चे कहते बहुत है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना? बाबा पूछते रहे हैं कोई स्थान, बच्चे कहते बाबा बहुत पड़े हैं अभी तो। बाबा कहते उसका प्लान बना रहे हो ना। विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज स्टेज खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा भी। अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। तो भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद, तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहां भी जाओ तो दो तीन मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे ना, खुद जाएंगे, खुद सुनाएंगे और खुद ही वहां पर स्थापना करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि वहां विदेश में तो ऐसा कोई सुनता नहीं है, उनको तो ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव करवाना पड़ता है। जापान में देखो ऐसा है ना, ऐसा कोई संस्था नहीं है जैसे जापान में भी एस्टैब्लिश्ड है ना, और चाइना जैसे देश में भी एस्टैब्लिश है जहाँ पे कि धर्म को तो मानते नहीं है, धर्म का तो उनकी बुद्धि में कुछ ज्ञान ही नहीं है। परंतु है ना, जैसे सपना दीदी एक बार सुनाते कि हम एक बार क्या हुआ, जो मॉन्क होते हैं ना, वहां के मॉन्क होते हैं जो उनके साधु जो होते हैं उनके, तो क्या हुआ उन्होंने मुझे बुलाया, जैसे कि मीटिंग थी तो मैं तो जैसे कि डरी हुई थी, डरी भी क्या थी है ना, ऐसा था कि वो पता नहीं क्या पूछेंगे। तो जैसे ही मैं उनके सामने गई, उन्होंने पूछा कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं, सपना दीदी से पूछा कि आप क्या भगवान में विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा जी करते हैं, है ना। तो क्या समझते हो भगवान कौन है, उन्होंने कहा भगवान एक एनर्जी है, भगवान एक लाइट है। वो कहता मैं भी यही बिलीव करता हूं। वहां भगवान को मानना बिल्कुल भी जैसे कि उनकी बुद्धि में डाला ही नहीं जाता, केवल कर्म कर्म कर्म, नथिंग एल्स। तो ऐसे देश में भी सेवा करना, कि जब मधुबन में उन्होंने फोन किया ना, वो कहते कि हम भी आपका ये स्थान देखना चाहते हैं, मधुबन स्थान देखना चाहते हैं। तो कहती जी ठीक है, तो कहते कि कितने लोग हैं, मधुबन में फोन किया उन्होंने, कहते कितने लोग हैं, कहते 200 लोग। कि वो एक तो वो मॉन्क था और उसके साथ कहते जो मेरे चेले चपाटे हैं ना सब जाएंगे। तो जब उन्होंने मधुबन फोन किया जी यहाँ से आना चाहते हैं बाबा मिलन के लिए, शिविर के लिए, तो कहते कितनी संख्या, कहते 200। कहते 200, कहते आपने 10 गलती से लगा दिया होगा, 20 तो आ सकते हैं, 200 पर नहीं। कहते एक पूरी फ्लाइट उन मॉन्क्स के लिए बुक थी। तो ये सबसे बड़ी सेवा हुई चाइना से कि 200 लोग एक ढक से आ गए वहां पे। तो इसलिए बाबा कहते, इसलिए बाबा ये विस्तार का बड़ा महत्व रखता है कि जो सेवा का विस्तार हुआ है ना देश विदेश में, ये बहुत बड़ी बात है। निमंत्रण देने वाले बाबा कहते जहां भी जाओ तो दो तीन मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। अकेले थे बाबा और एक वो बहन, कैसे देखो कैसे सेवा को वृद्धि की। तो सेंटर भी काफी खोला उन्होंने,
ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल जा सकते हैं। चारों ओर विदेश के निमित रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीजा भी मुश्किल मिलती है, है ना। भारत वालों ने अगर फॉरेन जाना होता है तो वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ये चांस है। वहां के रहने वाले ही वहां की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। भारत वालों को तो वीजा मिलने में मुश्किल होती है, तो वहां के जो रह रहे हैं वही वहां पर रहकर सेवा करें। तो बाबा कहते हैं भारत वालों को, बाबा कहते हैं इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है, इसलिए उलहना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है, सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हैं, सभी सेवाधारी हो कहां भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती, है ना। मन अंदर खाता रहे कि हम बिना सेवा से कैसे रह सकते हैं, तो बाबा कहते कहां भी हैं सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती, सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है, सेवा ही चैन की निद्रा कहो सोना कहो। क्योंकि जब साकार में क्या होता था ना, जब बाप दादा थे, ब्रह्मा बाबा थे, तो जब तक सेवा नहीं करते थे ना तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब तक सेवा नहीं करते थे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे। आज क्या करते हैं, पहले भोजन ग्रहण करते हैं फिर सेवा करते हैं, हाँ। तो सेवा नहीं है तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है, सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला सर्व का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। पार्टियों के साथ बाप दादा की अव्यक्त मुलाकात। सदा स्वयं को कर्म योगी अनुभव करते हो, कर्म योगी अनुभव करते हैं। कर्म योगी जीवन अर्थात हर कर्म करते याद की यात्रा में सदा रहे,
ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं और सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्मयोगी आत्माएं हो ना, कर्म में रहते न्यारा और प्यारा सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है, लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो, यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो। बोझ बनकर सेवा, बोझ समझकर सेवा नहीं करनी। अगर बोझ समझकर करेंगे तो सफलता नहीं मिलती। तो इसलिए सेवा भी है, सेवा भी हो और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक है, दोनों साथ साथ ठीक है। अभी बाबा ने पीछे दो चीजें को बैलेंस, कौन सा किस किन दो चीजों का बैलेंस बताया ज्योति माता जी? हाँ जी, ज्ञान और योग का। तो अभी बाबा क्या कहते हैं, सेवा भी हो तो खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है, गोल्डन अर्थात सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले। तो सदा अपने को इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना, सेवा का चांस भी अभी ही मिलता है, फिर यह चांस समाप्त तो हो जाता है। तो जिसने सेवा नहीं की वो तो पछता रहा है कि हमने सेवा नहीं की, जिसने कर ली वो तो खुशी में गदगद हो रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं उसके दिल में, हमने तो भाई मौके पर चौका मार लिया। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। तो अभी भी सेवा का मौका है, मनसा सेवा। तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है प्यारे बाबा का, जो हम बच्चों के प्रति बाबा हर रोज देते हैं। बाबा ने कहा, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघन विनाशक की डिग्री लेने वाले, विघन विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूरत भव, अनुभवी मूरत भव। कल क्या मिली थी ज्योति माता जी, क्या मिला था कल? कल क्या मिला था बाबा ने, कल क्या दिया था? फूला माता जी क्या दिया था कल बाबा ने? पीछे देखना पड़ रहा है कॉपी पलट कर। हाँ, एयर कंडीशन की टिकट मिली थी ना कल बाबा ने, बोला था कि हर कंडीशन में सेफ रहने वाले हैं, एयर कंडीशन टिकट के अधिकारी। तो एयर कंडीशन की टिकट मिली, आज क्या मिली? आज डिग्री मिली। कौन सी डिग्री मिली? कल बाबा ने कहा था ना सर्टिफिकेट लेना है, तो आज सर्टिफिकेट मिल रहा है। कौन सा सर्टिफिकेट? विघन विनाशक का सर्टिफिकेट। तो जब ये मिल जाएगी डिग्री, तो अनुभवी मूर्त भव के वरदानी बन जाएंगे कि हाँ, हमसे बड़ा अनुभवी दुनिया में कोई नहीं। तो जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता, यहां साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं, पेपर आते हैं और आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इसी ही सदा के लिए विघन विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। सुना नीता बहन क्या बोला बाबा ने?
अनीता बहन। हाँ जी अनुभव ज्ञान चाहिए। हाँ जी क्या कह रहे हो? अनुभवी ज्ञान। हाँ तो है ना, तो अनुभवी मूर्त बनना है तो कैसे बनेंगे? जब विघन विनाशक की डिग्री प्राप्त करेंगे कि जो भी परिस्थितियां आ रही है ना वो हमें आगे बढ़ाने की, अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए आ रही है, क्योंकि एग्जाम है ना ये भी एक। तो जब तक एग्जाम नहीं देंगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कैसे होंगे, है ना? तो सदा यही समझना है, कोई भी परिस्थिति है बड़ी से बड़ी परिस्थिति है, कल भी बाबा ने कहा था बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए लेकिन ये समझ के चलो कि वो सब क्या है, नेक्स्ट क्लास में पास कर पार हो, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने वाले हैं। तो इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। अभी कोई करता है ना, कोई डालता है विघ्न डालता है, शोर करता है ना, ऊंची आवाज में बोलता है, बाबा कहते कोई बात नहीं, आप विघ्न विनाशक की डिग्री हाथ में रखो, है ना, तो अनुभवी मूर्त बन के रहो तो वो अपने आप धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो जवाब ही नहीं दिया ना। क्योंकि कहते हैं ताली दो हाथ से बजती है, कहते ना मैं दुखी क्यों हो रही हूं, बाकी मुख से कुछ नहीं बोला पर यहां से तो बोल रहे थे, मुझे ही बोलते रहते हैं, मेरे को ही स्कोल्ड करते रहते हैं, मेरी गलती निकालते रहते हैं, मुझे ही हर वक्त बोलते रहते हैं। तो उसमें तो बोल रही है पर मैं अंदर से बोल रही हूं, विच लीड्स टू डिप्रेशन, टेंशन, हाइपरटेंशन, फिर अनेक बीमारियां निकलती हैं इससे। इसलिए यहां से चुप रहना है, यहां से तो रहते ही है, यहां से चुप रहना है तब कुछ नहीं होगा, फिर वो अपने आप धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन हमारी पहुंचती है, उसको पता लगता है ये बोल रहा है कुछ, फिर और बोलता है, जब कुछ बोलेंगे ही नहीं ठंडे रहेंगे, वो भी ठंडे हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन है जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा मिल जाता है। तो बाबा के कार्य में भी समय पर सहयोगी बन जाओ, बाद में कहेंगे बाबा ये लो मैं अपने 200 रुपया सफल करना चाहती हूँ, बाबा ये लो मैं आपका अपना 100 रुपया सफल करना चाहती हूँ, बाबा ये लो मैं अपना 500 रुपया सफल करना चाहती हूँ, समय के बाद दिया हुआ बाबा कहते कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सभी अपने अपने घर में, जैसे कहीं अनुते लगा रखी है, सभी अपने अपने घर में एक छोटा सा बाबा के लिए बॉक्स लगाएं और धन से भी सेवा करें, मन से भी सेवा करें और वाणी से भी सेवा करें, ठीक है? तो तन मन धन सब सेवा में लगा दें, ठीक है? ओम शांति। Thank you.